तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को और बात करते हैं एक काफी पावरफुल रॉक बैंड के बारे में जो है रोड वेलर। एंड दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करोगे कि इन्हीं ओनर्स की फीमेल का जो लास्ट लेटर था उन सभी पपीज का प्राइस 15,000 पीस से ऊपर था, इवन फीमेल्स का भी, और वो सभी एक ही वीडियो में सेल भी हो गए थे। लेकिन इस बार मार्केट डाउन होने की वजह से इन पपीज का प्राइस आप लोग को इतना अफोर्डेबल देखने को मिलेगा कि आप में से मोस्ट लोग इन्हें परचेज कर सकते हो। बाकी आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा ये बात जानकर कि ये जो रॉटवेलर पपीज हैं ये सिर्फ फीमेल ही अवेलेबल है, मेल ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ओनर ने इनकी फर्स्ट वैक्सीनेशन भी कंप्लीट करा दी है। तो फ्रेंड्स अगर पपीज की क्वालिटी के बारे में बात करें तो पपीज सुपर क्वालिटी में है एंड काफी एक्टिव भी। तो दोस्तों अगर आप लोग रॉटवेलर फीमेल पपीज को परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग एकदम परफेक्ट वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम आप लोगों को इस प्राइस में ऐसे पपीज मिलना काफी मुश्किल है। क्योंकि गाइस मुझे पता है कि डॉग्स को परचेज करने में हर कोई ज्यादा पैसे स्पेंड नहीं कर सकता, इसीलिए काफी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कम से कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिल जाए। और आप लोग तो जानते ही हैं कि ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी क्वालिटी लेकर आऊँ, इसीलिए मैं डॉग ओनर से पर्सनली भी कॉन्टेक्ट करके उनका प्राइस कम कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। बट इन ओनर ने ऑलरेडी प्राइस इतना कम रखा है कि मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे गाइस रॉटवेलर एक काफी पावरफुल एंड एक परफेक्ट गार्ड डॉग ब्रीड है। अगर आप लोग गार्ड डॉग ब्रीड को परचेज करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन है। एंड प्लीज पपीज को परचेज करने के बाद इनके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें, इनकी डाइट के ऊपर। जो ओनर आप लोगों को डाइट प्लान दे, आप लोगों को उसी डाइट प्लान पर पपीज रखने चाहिए। और अगर आप लोग अपने पपीज को दूध दे रहे हैं तो इस चीज को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कम कर दो, अदरवाइज आप लोग अपनी पपीज की हेल्थ को खराब कर रहे हो। क्योंकि दूध काफी हैवी होता है जिसकी वजह से पपीज उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें वोमिटिंग एंड लूज मोशन लग जाते हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान आप लोग जरूर रखें एंड साथ में अपने पपीज की डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करते रहें। अगर आप लोगों को डिवॉर्मिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो इस चीज के ऊपर आप लोगों को यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो गाइस अगर पपीज के पेरेंट्स के बारे में बात करें, ये इन पपीज के मदर एंड फादर हैं। तो जो लेफ्ट साइड में है वो है पपीज के फादर और जो राइट साइड में है वो है मदर। तो दोनों की क्वालिटी काफी अच्छी है। और दोस्तों अगर पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये पपीज 55 डेज से ऊपर हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है GTP नगर निरंकारी कॉलोनी दिल्ली NCR से। एंड भाई ओनर आप लोगों को आसपास के एरियाज में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डायरेक्ट ओनर के घर जाकर इन पपीज को परचेज करें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पपीज जो है वो होम ब्रीडिंग के हैं। तो फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो रॉटवेलर सिर्फ फीमेल से अवेलेबल है एंड उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के 10,000 पीस यानी 10,000 रुपए। लेकिन उन्होंने स्पेशली ये भी बोला है कि प्राइस नेगोशिएबल है, तो एटलीस्ट एक बार आप लोग डॉग ओनर से जरूर कॉन्टेक्ट करें। एंड गाइस ये है वो हमारी काफी शानदार वीडियोस, इन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करें।